सभी को नमस्ते। तो वेदों में विज्ञान इसकी श्रृंखला में हमने देखा था फायर एनर्जी, अग्नि ऊर्जा, और फिर दूसरा हमने देखा था ताप। और आज हम फिजिक्स का भी कर रहे हैं, और फिजिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो जिसमें हमने फायर एनर्जी देखा, हमने ताप देखा, और हम आज सोलर एनर्जी देखेंगे, सौर ऊर्जा। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, थोड़ी सी स्लाइड्स हैं। और हाँ, थैंक यू नागेंद्र जी मेरे को पिछले वाले उसमें बताने के लिए कि मेरा वो काम नहीं कर रहा था माइक। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो सूर्य है वो जो है वो बहुत सारे ग्रहों को प्रकाश देता है, और उसकी सूर्य की शक्ति सूर्य जो है वो बहुत अनेक हैं, और उनके बहुत सारे चमत्कार जो हैं हमें वेदों में इसका वर्णन मिलता है। और जो सौर मंडल है उसके ग्रह और उपग्रह सभी को ये ऊर्जा देता है, और सौर मंडल को ऊर्जा देता है, और जितने भी पृथ्वी आदि ग्रह हैं उनको जो है ये मेंटेन करता है, उनकी उसमें उनको मतलब अपने फोर्स से, अपनी ग्रेविटी, अपने आकर्षण से सबको रोके हुए है। तो हम ये पहला वाला मंत्र देखते हैं, सूर्य आत्मा जगत स्थातु तुश्च, ऋग्वेद के पहले मंडल के 115वें अध्याय का पहला मंत्र है, और यजुर्वेद के 7वें अध्याय का 42वां मंत्र है, और अथर्ववेद का 13वें मंडल के 2 अध्याय का 35th मंत्र है। तो सूर्य आत्मा जगत स्थूश्च, तो इसका मतलब कि सूर्य को आत्मा कहा है, इस जगत की आत्मा है ये सूर्य, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही संसार को जीवन की शक्ति मिलती है। अब अगले पे चलते हैं कि सूर्य अनेक हैं। तो ऋग्वेद के एक मंत्र में ये लिखा हुआ है, नाना सूर्या और सप्त आदित्य, मतलब कि सूर्य अनेक हैं, और 7 सूर्य से ये मतलब होता है कि 7 सौर मंडल हैं। तो ये ऋग्वेद के 9th मंडल के 114वें अध्याय का 3 मंत्र है, सप्त दिशो नाना सूर्य, मतलब सूर्य अनेक प्रकार के हैं, और देवा आदित्य ये सप्त, मतलब सौर मंडल के ये 7 सौर मंडल हैं। तो अथर्ववेद का ये कथन है कि केंद्रीय सूर्य जो है कश्यप है, और ये 7 सूर्य उसके अंग हैं, और तैत्रीय अरण्यक 1.7.1 में इन 7 सूर्यों के नाम दिए हुए हैं, और ये 7 सूर्यों के नाम हैं आरोग, भ्राज, पटर, पतंग, स्वर्णर, ज्योतिषीमान और विभास। तो कश्यप यस्मिन अर्पिता है सप्त साकम, ये अथर्ववेद का 13वें मंडल के 3 अध्याय का 10वां श्लोक है। तो इसमें 7 सूर्य जो हैं उनके नाम दिए हुए हैं। अब अगले पे चलते हैं, ये है सूर्य में सोम। तो सोम से हमारा सूर्य की ऊर्जा जो है वो है सोम, और वो ऊर्जा क्या है, वो है हाइड्रोजन, और सोम से सूर्य को शक्ति मिलती है। तो इस हाइड्रोजन से सूर्य को शक्ति मिलती है, यह है अथर्ववेद के 14वें मंडल के 1 अध्याय का 2 श्लोक, सोमेन आदित्य बलिनः, यानी कि सोम से सूर्य को बल मिलता है, शक्ति मिलती है। दूसरा है यजुर्वेद के 9वें अध्याय का 3 मंत्र है, अपाम रसम उदयवयसम सूर्ये संतम समाहितम, अपाम रसस्य यो रसस्तम वो ग्रहणाम्युत्तमम्। तो दूसरे में इसको ये प्रस्तुत किया गया है कि सूर्य में जो है वो 2 तत्व हैं। पहला तो है अपाम रसम, यानी जल का सार भाग। अपाम रसम मीन्स जल का सार भाग जो ऊर्जा के रूप में है, और उद्वयस,
उद्वयस शब्द जो है वो ऊर्जा रूप या गैस रूप का मतलब है उसका, ऊर्जा का मतलब, इसका मतलब ऊर्जा रूप या गैस रूप। और जल का ये सार जो है हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के लिए अपाम रसह इस पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा देखते हैं अपाम रसस्य, अपाम रसस्य का यो रसह, अपाम रसस्य यो रसह का अर्थ है जल के सार भाग का सार भाग। तो जल का सार भाग हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का भी सार भाग जो है हीलियम है। तो जल के सार भाग का सार भाग यानी कि हीलियम। तो मंत्र में हीलियम के लिए अपाम रसस्य यो रसह ये पारिभाषिक शब्द यूज किया गया है। और सूर्य संतम समाहितम के द्वारा ये कहा गया है कि दोनों तत्व जो हैं ये सूर्य में विद्यमान हैं। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम इज कंटेन्ड विद इन द सन। तो ये जो है वो इस मंत्र से हमें ये पता चलता है। तो अब अगले पे चलते हैं कि सूर्य के चारों ओर विशाल गैस है। तो ये यजुर्वेद, ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 164 अध्याय का 43rd मंत्र है। शकमयम धूमम आराद अपश्यम विशुवता पर एनावरेण। तो आधुनिक विज्ञान के जो अनुसार सूर्य में 90% हाइड्रोजन है और 8% हीलियम है, और 2% जो है वो मिसलेनियस अदर थिंग्स हैं। तो सूर्य की सतह का तापमान जो है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अंदर के हिस्से का तापमान जो है वो 1,30,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जो इस आंतरिक तापमान, इस आंतरिक ताप के कारण हाइड्रोजन हीलियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसे थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। और गैसों के इन रूपांतरणों के कारण सूर्य को बहुत बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, और सूर्य को अपनी इस ऊर्जा के लिए प्रति सेकंड 50,00,000 टन द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। तो अब जो है वो हाँ, तो सूर्य की ओर विशाल गैस, तो ये जो है ये ऋग्वेद का जो श्लोक है इसका मैं दीर्घ तमस ऋषि का कहना है कि मैंने योग दृष्टि से देखा है कि सूर्य के चारों ओर जो है वो दूर दूर तक शक्तिशाली गैस फैली हुई है। तो ये दीर्घ तमस ऋषि ने कहा कि सूर्य के चारों ओर उन्होंने अपनी योग दृष्टि से देखा कि बहुत दूर दूर तक शक्तिशाली गैस फैली हुई है, और शक्तिशाली गैस के लिए उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया, शकमयम धूमम, यानी शक्तिशाली गैस चारों ओर है सूर्य के, महाशक्ति युक्त ये धूमम, धूम शब्द का प्रयोग किया है। तो ये इनके इस मंत्र से पता चलता है। अब अगले पे जाते हैं कि सूर्य में धब्बे। तो ऋग्वेद जो है वो पहला मंडल, उसका 164 अध्याय का 14th श्लोक है। सूर्य से चक्षु रज सैत्यावृतम, यानी कि ऋग्वेद में वर्णन है कि सूर्य मंडल में जो है वो धब्बे हैं, और मंत्र कहता है कि सूर्य की चक्षु, यानी सूर्य की चक्षु यानी मंडल जो घेरा है, और रजस मीन्स धब्बे, तो से युक्त होकर विचरण कर रहा है। तो मंत्र कह रहा है कि ये सूर्य जो है इसके चक्षु जो है, इसके जो घेरे हैं उनमें धब्बे होकर ये सूर्य विचरण कर रहा है, यानी कि ये इसके अंदर धब्बे हैं। तो सूर्य की परिधि मीन्स सर्कमफ्रेंस, ये अगला मंत्र है ऋग्वेद के 10th मंडल का 139 अध्याय का 4th मंत्र है। इंद्रः परिसूर्यस्य परिधीन पश्यत, यानी कि ऋग्वेद में वर्णन है कि इंद्र ने सूर्य की परिधि को चारों ओर से देखा। उसका अभिप्राय ये है कि उसने सूर्य को चारों ओर से देखा, ये एक वैज्ञानिक चमत्कार है, योग दृष्टि से ही ऐसा देखना संभव हो सकता है, और नहीं तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। तो इंद्र जो थे उन्होंने अपनी योग दृष्टि से देखा कि सूर्य का सर्कमफ्रेंस देख लिया, ऐसा इस ऋग्वेद में मेंशन है।
अब अगले पे चलते हैं कि सात महासूर्य हैं, मतलब सेवन सोलर सिस्टम्स हैं। ये अथर्ववेद का 13वें मंडल का थर्ड अध्याय का 10वां मंत्र है, यस्मिन सूर्या अर्पिता सप्त साकम, यानी कि अथर्ववेद में कहा है कि ब्रह्म में सात सूर्य एक साथ रहते हैं, और इससे ये स्पष्ट होता है कि सात जो हैं वो सौर मंडल हैं। अब अगले पे चलते हैं, सूर्य की सात रंग की किरणें, ये अथर्ववेद का 7वें मंडल का 107वां अध्याय का पहला मंत्र है, अव दिवस्तार यंति सप्त सूर्यस्य रश्मयः आपः समुद्रिया धाराः। तो ये कहता है कि सूर्य की सात रंग की किरणें हैं, और किरणों को सूर्य के सात घोड़े कहा गया है, और साथ में ये भी वर्णन है कि इन किरणों के कारण ही वर्षा होती है। तो क्योंकि हमें पूरा वो साइकिल हमने देख लिया था ताप वाले साइकिल से, कि कैसे वो साइकिल चलता है, कि जो स्टीम बनती है, मतलब वो जो जब बारिश होती है, और फिर कैसे समुद्र में, और फिर कैसे भाप बन के ऊपर जाता है, और फिर कैसे बादल आते हैं, और फिर वो सारा साइकिल जो है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किरणों के कारण ही बारिश भी होती है, और सूरज के सात घोड़े हैं, और किरणों को सूर्य जो किरणें सात घोड़े हैं, घोड़े मीन्स किरणें, तो किरणों को ये कहा गया है। तो अब अगले पे चलते हैं कि सूर्य की किरणें जो है अति तीव्र गामी है, ये अथर्ववेद के 6वें मंडल का 105वां अध्याय का 3रा श्लोक, और 13वें मंडल के 3रा अध्याय का 16वां श्लोक। तो पहला वाला तो वही है, सूर्य से रश्मयः परापतन्ति आशुमत, और दूसरा है शुक्रम वहन्ति हरियो रघुश्यदः। तो ये कहता है कि सूर्य की किरणें जो हैं वो अति तीव्र गामी है, कि बहुत तीव्र गति से चलती हैं सूर्य की किरणें, और तीव्र गति के लिए आशुमत शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है तीव्र गति वाला, और रघुश्यदः मीन्स तीव्र प्रवाह वाला। तो इन दोनों शब्दों से पता चलता है कि सूर्य की किरणें जो हैं वो बहुत तीव्र गामी हैं, तीव्र जो है गति वाली हैं, और तीव्र प्रवाह वाली हैं। अब अगले पे चलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो सूर्य की किरणों से विद्युत प्रवाह, तो ये है ऋग्वेद का, ऋग्वेद में वर्णन है कि सूर्य की किरणों के साथ मित्र और वरुण एक ही रथ पर बैठकर चलते हैं, और मित्र शब्द धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज है, और वरुण ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करते हैं, और इनसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रवाहित होती हैं, और इन तरंगों के द्वारा प्रवाहित शक्ति के लिए दूत शब्द का प्रयोग हुआ है, और इस दूत को अति तीव्र गामी कहा गया है। अजर शब्द जो है वो बहुत सक्रिय अर्थ को बताता है, और मदेरघु शब्द अति तीव्रता को बताता है, ये वाला शब्द मदेरघु जो है ये अति तीव्र अति तीव्रता को बता रहा है, और अजर शब्द सक्रिय को बता रहा है। तो इस ऊर्जा में चुंबकत्व के लिए अय शीर्षा मीन्स ये चुंबक को बता रहा है। तो ये ऋग्वेद के 8वें मंडल का 101 अध्याय के श्लोक 1, 2, 3 है। तो मित्रा वरुणा रथर्यतः साकम सूर्यस्य रश्मिभिः, और यो वाम मित्रा वरुणा अजिरो दूतो अद्रवत आयः शीर्षा मदे रघुः। तो यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो मित्र शब्द है वो पॉजिटिव चार्ज है, और मित्र और जो वरुण है वो नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कर रहे हैं। फिर अगला चलते हैं कि सूर्य की किरणें पदार्थों को कलर देती हैं यानी वर्ण देती हैं, ये अथर्ववेद के 1वें मंडल का 1वें अध्याय का 1ला श्लोक, और अथर्ववेद के 13वें मंडल के 1ले अध्याय का 11वां श्लोक। ये त्रिशक्ता
पर्यंती विश्वारूपाणी बिभद्रः और विश्वारूपाणी जनयन युवा कविः। तो इसमें क्या कहा है कि अथर्ववेद में वर्णन है कि सूर्य की किरणें ही संसार के सभी पदार्थों को रूप देती हैं और सूर्य की सात किरणों सात रंग की किरणें जो हैं वो सात रंगों को देती हैं। ये तीनों रूपों में यानी कि उच्च मीन्स गहरा, मध्य मीन्स मध्यम और निम्न मीन्स हल्का। इस प्रकार ये किरणें 7x3 यानी क्योंकि इनके अलग अलग ह्यूज होते हैं ना कि गाढ़ा रंग, मिडल का रंग और हल्का रंग, यानी कि जैसे मान लो हरा रंग है तो वो हरा गाढ़ा, हरा मध्यम और हरा हल्का, तो इसी तरह नीला गाढ़ा, ऐसे ऐसे करके। तो इसको 7x3 करो तो 21 प्रकार हो जाते हैं इसके रंगों के। और वेद में इसको त्रिशक्ता मीन्स, तो ये जो वर्ड है ना त्रिशक्ता मीन्स 21 यानी कि तीन हर एक के तीन इंटेंसिटीज इंटू 7 कलर्स, तो 21 त्रिशक्ता और कहा गया है। और इन रंगों के मिश्रण से बहुत सारे रंग बन जाते हैं। इस प्रकार सब रंग संसार की सभी वस्तुओं को रूप रंग जो है वो देने वाला सूर्य है। तो विश्वारूपाणी विभ्रत्र डिफरेंट रंग देने वाला ये जो है ये सूर्य ही है। अब अगला चलते हैं, सूर्य में प्राण यानी ऑक्सीजन और अपान मीन्स हाइड्रोजन शक्तियां। ये यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का सातवां मंत्र है, अंतरश्चरति रोचनास्य प्राणादपानति। तो ये कहता है कि यजुर्वेद कहता है कि सूर्य में प्राण और अपान जो है वो दोनों शक्तियां हैं। सूर्य हाइड्रोजन को जलाता है और उससे ऑक्सीजन यानी प्राण देता है। तो हाइड्रोजन को जला के वो ऑक्सीजन देता है, तो यानी कि वो ऑक्सीजन जो है वो प्राण है, प्राण वायु को देता है। और सूर्य की रोचना यानी उष्मा का रहस्य है प्राण और अपान का निरंतर परिवर्तन, अर्थात प्राण से अपान होता है और अपान से प्राण और फिर प्राण से अपान। तो सूर्य संसार को प्राण शक्ति यानी कि ऑक्सीजन देता है और अपान अर्थात प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड को समाप्त कर देता है। तो सूर्य का ये भी एक काम है। सूर्य जो है वो प्रदूषण नाशक भी है। यह अथर्ववेद के पांचवें मंडल के 23वें अध्याय का छठा मंत्र है, उत पुरस्तात सूर्य एति दृष्टान च घ्ननन अदृष्टान च सर्वान च प्रमारण क्रमीन। तो अथर्ववेद जो है वो कहता है कि सूर्य जो है वो प्रदूषण का नाशक है और वो दृष्ट यानी दिखाई देने वाला और अदृष्ट मतलब न दिखाई देने वाला। तो दृष्टान च घनन अदृष्टान, तो दृष्ट जो दिखाई देने वाला और अदृष्ट जो न दिखाई देने वाला है, सभी प्रकार की क्रमियों यानी क्रमीन मतलब क्रमियों यानी जर्म्स को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार सूर्य जो है वो पोल्यूशन का नाशक है। अब अगला देखते हैं, सूर्य वायुमंडल का शोधक है यानी कि यजुर्वेद का कौन सा लेटर है, शायद नाइन्थ है। तो ये कहता है, सविता पुनातु अछिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मि बभी। तो ये कहता है, यजुर्वेद का ये कहना है कि सूर्य अपनी सूक्ष्म और पवित्र किरणों से सारे वायुमंडल को शुद्ध करता है। पुनातु पुनीत वर्ड है शुद्ध मतलब पवित्र। तो ये अपनी सूक्ष्म और पवित्र किरणों से सारे वायुमंडल को पवित्र कर देता है, शुद्ध कर देता है। सूर्य जो है वो चंद्रमा को प्रकाश देता है। तो ये है यजुर्वेद के 18वें अध्याय का 40वां मंत्र, सुषुम्नः सूर्य रश्मिः चंद्रमा गंधर्वः अस्येको रश्मिः चंद्रमसं प्रतिदीप्यते। और ये निरुक्त का दूसरे का छठा है, आदित्योस्य दीप्तिर् भवति। तो सूर्य चंद्रमा को प्रकाश देता है। तो यजुर्वेद कहता है कि सूर्य की सुषुम्न
सुषुम्न नामक किरणें चंद्रमा को, ये जो सुषुम्न है ये नामक किरणें जो हैं वो चंद्रमा को प्रकाश देती हैं, और चंद्रमा में प्रकाश नहीं है, वह सूर्य की किरणों से ही प्रकाशित होता है। देखो तो यहाँ कितनी सारी साइंस लिखी हुई है हमारी, इसमें सब कुछ दिया है वेदों में कि जो है चंद्रमा का अपना अपना कोई मतलब लाइट नहीं है, बल्कि सूर्य जो है वही उसको लाइट दे रहा है, तो सूर्य की किरणों से ही प्रकाशित हो रहा है चंद्रमा। और यही बात आचार्य यास्क ने निरुक्त में कही है, निरुक्त नामक एक ग्रंथ है उसमें कही है कि सूर्य की किरण में किरणें जो है वो चंद्रमा को प्रकाशित करती है। अब सूर्य संसार का पालक और धारक, ये साम वेद का 18वें क्या है 18वें का 45th है। धर्ता दिवो भुवनस्य विश्वपति, तो ये कहता है कि सूर्य द्युलोक को धारण करने वाला और संसार का पालक है, विश्वपति है सारे भुवन का, मतलब सारे संसार का पालन करता है। अब सूर्य की किरणें पदार्थों को फैलाती हैं, तो ये है ऋग्वेद के 9th मंडल का 69th अध्याय का 6ठा श्लोक, 6ठा मंत्र है, और सामवेद के 13.17 है। सूर्यस्येव रश्मयो द्रावयित्नवः, तो ये कहता है ऋग्वेद और सामवेद में वर्णन है कि सूर्य की किरणों का गुण है पदार्थों को फैलाना, एक्सपेंशन, और उनको नरम या द्रवित करना। तो यहाँ द्रावित्य लिखा ना, द्रवित करना मीन्स लिक्विफाई करना, तो सूर्य की रश्मियां जो हैं वो उसको द्रवित करती हैं, लिक्विफाई करती हैं, तो हर एक चीज को एक्सपेंड करती हैं और उसको लिक्विफाई सा करती हैं। तो ये तो हमें पता है कि हीट से जो चीज मेटल्स हैं वो सब एक्सपेंड करते हैं। तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती है, तो ये है यजुर्वेद के 20वें अध्याय का 23वां मंत्र, और ऋग्वेद के 10वें मंडल का 89th अध्याय का 2रा मंत्र। तो समाववर्ती पृथ्वी समुषाह समु सूर्यः समु विश्वमिदं जगत् और न सूर्यः ववृत्याद् रथ्येव चक्रा। तो ये कहता है कि यजुर्वेद कहता है कि पृथ्वी और सूर्य और उषा सदा चक्कर काटते हैं, घूमते हैं, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, तो सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, उसी प्रकार यह सारा संसार गतिशील है और घूमता है। ऋग्वेद का भी कहना है कि सूर्य रथ के पहिए की तरह, रथ्येव चक्र मीन्स रथ के पहिए की तरह घूमता है, मतलब अपनी धुरी पर घूमता है सूर्य, और जो ये पृथ्वी है ये सूर्य की चक्कर का लगा रही है। अब सूर्य वर्षा का कारण है, ये अथर्ववेद के 13वें मंडल का 3रे अध्याय का 9वां श्लोक और अथर्ववेद का 7वें अध्याय का 107वां मंडल का 107वां अध्याय का पहला मंत्र। हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवम उत्पत्ति अव दिवस्तार यन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः आपः समुद्रिया धाराः। तो सूर्य जो है वो वर्षा का कारण है, वेदों के अनेक मंत्रों में जो है ये वर्णन है कि सूर्य की किरणें जो है समुद्र से जल को भाप के रूप में ऊपर ले जाती हैं और भूमि पर वर्षा करती हैं। तो ये हमारा आज का सोलर मतलब ये हमारा सूर्य की किरणों का ये समाप्त हुआ, और आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा सा पता चला होगा कि हमारे वेदों में कितना अच्छा लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है वो, और इस तरह की कुरान की जो जाहिलियत है यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। और किसी को भी ये श्लोक जो है मेरे आपको फ्रीडम है कि मेरे किसी भी वीडियो को आप डाउनलोड करके और उसके क्लिप्स जो हैं वो अपने किसी भी मुस्लिम भाई
के साथ जब आप वाद विवाद करें तो उसमें ये इसको यूज कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, और उसका मटेरियल भी आप कोट कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब पॉजिटिव सेंस में, ये नहीं कि आप उसका मजाक उड़ाएं, पर इस अगर आपको कभी भी विज्ञान की या किसी भी मेरी वीडियो की क्लिप की जरूरत हो किसी को आंसर बैक करने के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मैं फ्रीडम देती हूँ सबको। और तो मैं ये देख के कितना आश्चर्य, मुझे भी इतना नहीं पता था कि इतना सब कुछ लिखा है विज्ञान हमारे वेदों में। तो हम तो इनकी जाहिल वो कि कीचड़ में डूब गया और सन जो है कीचड़ में डूब गया और पता नहीं क्या क्या ये लोग बोलते हैं। तो एनीवेज किसी को पैनल पे आना है बात करने तो मैं कोई और स्ट्रीम खोल सकती हूँ। तो आज तो बहुत कम टाइम हुआ है तो हम कोई स्ट्रीम रख भी सकते हैं, तो मेरे को बता दीजिएगा। कमेंट में भी अगर आप लिख देंगे तो मैं फौरन ही खोल दूंगी एक स्ट्रीम। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देखने का। प्लीज़ शेयर करें इस इंफॉर्मेशन को, तो शेयर ज़रूर करना चाहिए हमें, क्योंकि साइंस जर्नी टाइप के लोग और हैरिस सुल्तान भी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो भी बड़ा हमारा उपनिषदों का मजाक उड़ा रहा था। और तो अभी मैं भी इतना नहीं जानती थी, मैं आपकी सपोर्ट की वजह से मैं खुद भी इतना कुछ पढ़ रही हूँ और मुझे इतना ज्ञान हो रहा है, और मैं अपने आप को इस लायक समझने लगी हूँ कि भाई मैं कुछ डिबेट कर सकूँ इन मुसलमानों के साथ। और तो पहले तो शुरू में हम हिंदुओं को पता ही नहीं होता, और मैंने बहुत जगह देखा है कि हिंदू जो हैं वो डिफेंस यूज़ करने लगते हैं। जैसे ये लोग कुछ बात कहते हैं उपनिषदों के बारे में, तो हिंदू वहाँ लिख रहे हैं तो क्या हुआ अगर हमारे उपनिषदों में लिखा है, तुम्हारे में तो ऐसा लिखा हुआ है, या हम तो मानते नहीं हैं अपने उपनिषदों को, ऐसे ऐसे कुछ लिखते हैं। पर हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में मुझे अभी तक कोई भी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं दिखी है। तो और वेदों में तो कोई मिलावट नहीं हुई अब तक। उपनिषदों में मैंने कल देख ली थी, जो इसने शंकर भाष्य भेजा था उसमें से थर्ड और फोर्थ श्लोक ही गायब थे, फोर्थ और फिफ्थ भी, और जो है जो ये सेवेंथ दिखा रहा था उसमें स्टिक से मीट करना, तो मैंने वो खोल के दिखा दिया आपको कि शंकर भाष्य में ही जो ओरिजिनल वाला है कि वो ये लिखा है कि भय दिखाना, ये नहीं लिखा कि आप उसको स्टिक से मारें। और जो सेक्स करना भी लिखा है और रिप्रोडक्शन, वो भी एक यज्ञ माना गया है हस्बैंड वाइफ का, और अगर वाइफ को सेक्स नहीं करना तो वो ब्रह्मचारिणी भी रह सकती है, उसे शादी करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो और ये दोनों तरह से ट्रू है, क्योंकि मैंने वो भी बता दिया था कि कैसे अगस्त ऋषि जो थे उनको वो सेक्स नहीं करना चाहते थे, पर लोक मुद्रा ने उनको किस तरह उनकी वाइफ ने कहा कि आपने शादी करी है तो आपको उसका जो है वो कर्तव्य निभाना चाहिए। तो ये दोनों तरह से ट्रू है। तो चूंकि हम अपने ग्रंथों को नहीं जानते तो हम हमेशा सोच लेते हैं कि हाँ भाई मनुस्मृति बुरी ही होगी, तो हम उसको डिफेंड करने लगते हैं, भाई हमारा हम तो नहीं मानते मनुस्मृति को, हम तो खाली गीता को मानते हैं, हम तो इसको मानते हैं। हमारे सारे ग्रंथों में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं दिखा मुझे अभी तक। तो अगर कोई आपको दिखा हो तो आप मेरे साथ डिस्कस करें, तो हम उसको खोज के निकालेंगे उसका ओरिजिनल। तो मेरे यहाँ बर्फ पड़ने लगी अब, तो अब मैं आपके साथ आज्ञा लेती हूँ, और अगर किसी को पैनल पे आके बात करनी है तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं एक लाइव स्ट्रीम फॉरन खोल दूंगी। तो शेयर करें और आपका दिन शुभ बीते, आपको बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंदू राष्ट्र।